कोंडागांव जिले के विकासखंड कोंडागांव के अंतर्गत नगर पालिका एरिया फॉरेस्ट कॉलोनी 12, जहां पर 30 ऐसा परिवार है, ऐसा घर है जहां पर इनको बसे आज लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। ये पूरे घर वाले अपने घरों का टैक्स भी पटाते हैं और इनका मतदान परिचय पत्र भी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए शासन अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं दे पाई है। यहाँ एक रोड का समस्या है प्रमुख रूप से, तो रोड है कि नहीं है? रोड ऐसी तो पगडंडी है और साफ करके यहाँ लोग मिल के बनाए थे और इसके लिए आवेदन भी दिए थे। अगर कोई बीमार हो गया तो तत्काल टाउन में ले जाने के लिए दिक्कत होता है, अस्पताल ले जाने के लिए दिक्कत होता है। और दूसरी बात कि यहाँ गर्भवती महिला है, उनको भी अगर कुछ हो गया तो प्रेगनेंसी पीरियड में अस्पताल तक पहुँचाने में दिक्कत होता है। और बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी भी जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो उनको भी आने जाने में असुविधा होती है। बरसात के समय बहुत सारा समस्या होता है, और रोड बनने से ये सब सुविधा असुविधा नहीं होगी। बहुत नेता लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोले कि कुछ काम करते नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रशासन के पास गए थे और एक दो बार गए हैं, कलेक्टर ऑफिस भी गए, नगर पालिका गए, विधायक के पास गए, उसका कागज भी बना के है, उसका डुप्लीकेट। उनका क्या कहना है? हो जाएगा, बनेगा बोल के, पास भी हो गया है बोलते हैं। तो कब बने, कितने दिन का ये मतलब आपने कार्रवाई किया? साल भर कुछ हो गया, साल भर भी नहीं हुआ है। हाँ, रोड बनाने के लिए जगह है, क्योंकि डिपो जो प्लांटेशन हुआ है वन विभाग का, उसके बगल में रोड के लिए हम लोग जगह छोड़ने बोले, वन विभाग को तो छोड़ दिए हैं, तो वो इस बस्ती से लेकर कोरबेड़ा तक वो निकल सकता है रोड। फिलहाल तो पक्का रोड हो जाए, अपना WBM हो जाए तो सुविधा होगा आने जाने में। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर समीर विश्नोई जी, जिनका ऑफिस लैंडलाइन नंबर है 077-86-24-20-01, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इन वार्डवासियों को आवागमन का साधन मिल सके। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए कोंडागांव छत्तीसगढ़।